प्रशासन गांव के संग अभियान में महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर परिवार के अन्य सदस्य द्वारा प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण करना भारी पड़ गया। अजमेर जिला परिषद सीईओ डॉक्टर गौरव सैनी ने समाचार पत्र में प्रकाशित फोटो पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई तो धारा 38 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अजमेर जिला परिषद सीईओ डॉक्टर गौरव सैनी ने बताया कि पंचायतराज नियम के अनुसार निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को ही पंचायतराज का कार्य करना होता है। बैठकों का आयोजन व अधिकारियों को निर्देश भी महिला जनप्रतिनिधि ही दे सकती है। उसके स्थान पर परिवार के किसी अन्य सदस्य के हस्तक्षेप करने पर ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ धारा 38 की कार्रवाई अमल में लाते हुए उसे पद से हटाया जा सकता है। उन्होंने जिले के सभी विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत में लगे हुए ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर परिवार का कोई अन्य सदस्य बैठक की कार्रवाई में हस्तक्षेप न करें। अराई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोठियाना में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। शिविर प्रभारी खेमाराम यादव सहित 22 से अधिक विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने शिविर में शिरकत की। ग्राम पंचायत गोठियाना के सरपंच सत्यनारायण मेवाड़ा ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से जारी 111 पट्टों का वितरण भी किया गया। आज हमारी ग्राम पंचायत गोठियाना में सरकारी योजना की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। इसके दौरान हमारे SDM खेमाराम जी यादव, तहसीलदार साहब श्री आशीष जी सोनी व 22 विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। हमने हमारी ग्राम पंचायत द्वारा 121 पट्टे ग्रामीणों को वितरित किए हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई है ग्रामीण के अंदर शिविर लगाए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने। और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, काफ़ी आदमियों की योजनाएं की मालूम भी नहीं है काफ़ी लोगों को, तो आप सभी से निवेदन करूँ इस पर तत्काल थोड़ा सा और जोर दे करके सभी व्यक्तियों तक ये योजनाएं पहुँचें। और जो शिविर लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं और प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ये अपनी योजनाएं हैं गरीब लोगों के लिए, बीमा योजना बहुत अच्छी है और ये पट्टे वितरण किए गए हैं ये भी बहुत अच्छा। काफ़ी सालों से लोग परेशान थे, ये काम बहुत अच्छा हुआ। आपसे निवेदन करूं ऐसी कृपा बनाए रखें राजस्थान पे। ग्राम पंचायत बोराड़ा में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। सरपंच भोजराज गुजर ने बताया कि शिविर के दौरान शिविर प्रभारी व उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव, विकास अधिकारी भगवान अरविंद, IN सीमा चौहान सहित 22 से अधिक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शिविर में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान ग्राम पंचायत की ओर से जारी पट्टों का वितरण भी किया गया। भोजराज गुजर ने बताया कि प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान ग्राम पंचायत में विधवा पालनहार योजना सहित विभिन्न सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया गया। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब की जो महत्वाकांक्षी ऐसी योजना है प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गाँव के संग के अंदर ऐसे ऐसे कार्य किए हुए हैं जो आज तक नहीं हुए। जैसे बंटवारा जो हजारों साल से चलते आ रहे वो बंटवारा किया गया। जो गरीब थे, जो भूमिहीन थे, उनके आवास नहीं था, उनको हैंडटूंड हमारे तहसीलदार जी और SDM मैडम ने आबादी घोषित करके हैंडटूंड उनको पट्टे दिए। जैसे गाड़ी अलवार है, गुमंतु जाति कालबेलिय समाज है और SC ST है, उनको पट्टे वितरित किए गए। बोराड़ा ग्राम पंचायत में 300 पट्टे वितरित किए गए और 34 बंटवारे किए गए और रास्ता का शुद्धिकरण किया गया। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक महत्वपूर्ण जो आम आदमी की समस्या का समाधान ग्राम पंचायत पे किया जा रहा है, इसके लिए मैं इनका, अधिकारियों का, राजस्थान सरकार का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं जसराज चौधरी, DCC उपाध्यक्ष, अजमेर।